ओके यार, ऐसा फौज मत दे, रुपए होना चाहिए यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी का टाइम हो रहा है 1:30 बज गए और फिलहाल मैं और मम्मी जाने वाले हैं, आज है शनिवार बता दूं तो, बालाजी मंदिर के जाने वाले हैं, कुए वाले बालाजी जो स्टेशन की तरफ ही है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा फर्स्ट टाइम। काफ़ी शानदार बता रखे हैं कि मंदिर शानदार है तो वो ब्लॉग बनाते हैं, तो आज मैंने यही ठान लिया। और मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया, इधर देख सकते हो पूरी चारों तरफ बादल ही बादल हो रखे हैं। 3-4 दिन से क्या रेगुलर बारिश आ रही है ना, रेगुलर बारिश में क्या जलेबी खाने का अलग ही आनंद है। तो मैं सुबह सुबह जलेबी एकदम नाश्ता वाना करके जलेबी वलेबी चेप के उसके बाद मैं रेडी होके मम्मी को बोल रहा हूँ कि अब चले। मम्मी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि बालाजी के मंदिर के दर्शन करके आए, बढ़िया बालाजी का मंदिर है, तो आज मम्मी को लेके चलते हैं। मम्मी कल क्या था, मैं बाइक को इधर ही खड़ी कर दिया, अभी इसको निकालते हैं बाहर की तरफ और मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया। मैंने तो अभी बताया था बादल हो रखे हैं चारों तरफ, ये देख सकते हो पूरी तरफ बादल ही बादल हो रखे हैं, तो बाइक को निकालते हैं जल्दी से। ये चाबी लगा, ओ जी चाबी ऑलमोस्ट लग चुकी है, तो बाइक को निकालते हैं उसके बाद में मम्मी भी रेडी हो जाएगी जब तक, फिर चलेंगे बालाजी के मंदिर। अभी हो गया टाइम 1:30 बज चुके हैं गाइस, बाइक को बाहर खड़ी कर दी। गाइस फिलहाल तो निकल चुके हैं हम बालाजी मंदिर में जाने के लिए, तो मेरी और मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया यार। आगे बोलिए जनाब बोलिए, फिलहाल तो छुट्टी होने वाली है, छुट्टी हो चुकी है, छुट्टी होने ये जहाँ पे ये रोड लेके जाएगी ना वहाँ पे चल रहे हैं। ये आइडिया नहीं है वैसे, ये इधर ही हो सकता है बालाजी का मंदिर, थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये रास्ता जाता है बालाजी के मंदिर की साइड, लेकिन कन्फर्म तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं ये रास्ता वहाँ पे निकलता है हमको। ये देख सकते हो ये है बालाजी का मंदिर, बाइक को हमने खड़ी कर दी वहाँ पे, तो चलते हैं अंदर की तरफ बालाजी के मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह। दर्शन कर लिए, अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ सीधा। काफ़ी मज़ा आया, हरियाली एकदम बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आते ही मम्मी का साड़ी फट गई किसी में अटक के, और हैप्पी भी आ चुका है इधर खाना खा रहा है टीवी देख के, बोले तो मंदिर जाके आए थे हम बालाजी मंदिर। नमकीन लेके आया यार, मेगा टेडमेन में, और आज हमारे साथ है आंटी जी। आंटी जी भी फर्स्ट टाइम ही आई है मेगा टेडमेन में, ये देख सकते हो शॉपिंग कर रही है। मम्मी और आंटी जी दोनों के दोनों शॉपिंग कर रहे हैं इधर, और हैप्पी पता नहीं क्या करने को लगा है, क्या लेने आए इधर। ये लास्ट दिन है आज, कल लास्ट दिन होने वाला है मेगा टेडमेन का, तो आज काफ़ी भीड़ है मेगा टेडमेन में। हाँ भाई विचार है, तो ये सोच रहे थे लेजर लाइट लेके चले, ये लेजर लाइट में क्या करेंगे, आ जाओ। तो फिलहाल तो आगे की तरफ चलते हैं, ये
इधर थोड़ी बहुत शॉपिंग हो रही है, मम्मी की गैजेट ले रहे हैं, मतलब इनका तो लेडीज का यही काम है, पागल हो चुकी है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कभी हैप्पी इसके दे रहा और कभी और तुषार इसके दे रहा है। ये लटकाने वाला इधर से ले सकते हो, ये लास्ट दिन है, मतलब कल लास्ट दिन होने वाला है। भैया के पास सब कुछ अवेलेबल है, किचन का सामान दे सकते हो, पूरा किचन का सामान ही है। बोल रहा है कि मैं लेजर लाइट लूंगा, तो देखते हैं लेजर लाइट किस प्रकार की है। ओके सर, यहाँ पे दुकान के ओनर है जो सामान बेचते हैं, मतलब लास्ट दिन है और कुछ भी लेना हो तो ले सकते हो जल्दी से, कल लास्ट दिन है यहाँ का। लेजर लाइट बताए तो गाइस, लेजर लाइट देखते हैं इनसे। नहीं ये वाली करंट वाली नीचे है, करंट भाई ये करंट वाली लेजर लाइट है जो करंट आता है इसके करंट देते हैं। नहीं नहीं मैम, हम नहीं चीजेंगे करंट आगे, तो सादा लाइट है ये, सादा लाइट है ये लेजर लाइट बिना करंट वाली। फोकस चला के देख लो, तो चला के देखते हैं यहाँ पे लेजर लाइट सेल वेल देख लेते हैं। ओके डन, ओके ओके यार, ऐसा फोर्स मत दे, रुपए होना चाहिए यार। मोबाइल ले रहे गिर गया, मेरा हाथ दूध बला गए भाई, पैसे देख लिया हमें भाई, गिर गए पक्का बता। हाँ तो गाइस हैप्पी के अचानक से पैसे घूम गए, ले लिया लेजर लाइट, अब ये लेजर मारेगा वाले के पास और 10-10 रुपए वाले चार बना दो। नवरात्रा की तैयारी हो रही है, परसों नवरात्रा बिठाई जाएगी, माता आएगी बोले तो, यहाँ पे देख सकते हो आप तैयारी चल रही है।